राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले 20 जून को सीएम नीतीश कुमार तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे, जहां वो चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित करेंगे। नीतीश कुमार का विपक्षी दलों के महाजुटान से पहले किसी दक्षिण भारत के राज्य का ये पहला दौरा होगा। 20 जून को ही स्टालिन से मुलाकात करके वो पटना भी लौट आएंगे। नीतीश कुमार 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनका संबोधन भी होगा। इस दौरान वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से भी मुलाकात करेंगे। वहीं 23 जून की बैठक में स्टालिन पटना आने वाले हैं। इस तरह दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 3 दिनों में 2 बार मुलाकात होगी। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता वाली मुहिम की इस बैठक में करीब 18 दलों के दिग्गज राजनेता शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत वाम दलों के भी कई नेता शामिल होंगे। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को पहले ही आमंत्रण भेजा जा चुका है और स्टालिन की सहमति भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों की इस महाबैठक को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी को हराने से लेकर सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक से पहले बिहार महागठबंधन के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी अब इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। वो महागठबंधन से अलग हो गए हैं और आज वो औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।